नमस्कार दोस्तों जिस समय गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया था तो उस समय कुछ खबरें चली थी मैंने भी वीडियो बनाया था कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं लेकिन वो जानते हैं धीरे धीरे वक्त के साथ उन्होंने रियलाइज़ ये कर लिया है वो जानते हैं कि अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे बीजेपी से अलग होकर कश्मीर के खास जो मुद्दे हैं जिनसे वहाँ की जनता इन्फ्लुएंस हो चुकी है उन मुद्दों को उठाकर और फिर बीजेपी के साथ मिलकर ये प्लान उन्होंने बढ़िया बनाया है और इसी प्लान पर वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं जबकि जो गुपकार गैंग है जिसमें महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला कम्युनिस्ट ये बाकी जो दल हैं कश्मीर के ये सब लोग उसमें शामिल हैं ये हकीकत को रियलाइज़ नहीं कर रहा है ये केवल लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और कश्मीरियों के सामने एग्जैक्ट पिक्चर नहीं पेश कर रहे हैं कि आखिरकार कश्मीर की स्थिति क्या है जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद किस स्थान पर खड़ा है उसे कहाँ जाना चाहिए और हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए इसको लेकर इनका कुछ भी स्पष्ट नहीं है लेकिन गुलाम नबी आज़ाद घाग पॉलिटिशियन हैं दिग्गज नेता हैं और कश्मीर की रग रग से वाकिफ़ हैं लंबे समय वहाँ राजनीति कर चुके हैं मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो बड़ी तरीके से समझ गए हैं कि कश्मीर में अगर कुछ करना है तो वो कैसे पॉसिबल है कश्मीर में अगर कुछ करना है तो आप बीजेपी के खिलाफ लड़िए लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी के साथ मिल जाइए और बीजेपी के साथ मिलकर जितना संभव है उतना फ्लेक्सिबिलिटी आप कश्मीर के लिए ले आइए यही ऐसा संभव है ठीक है गुलाम नबी आज़ाद के बारे में लोग ये कह रहे थे कि वो अपनी पार्टी कब बनाएंगे क्या करेंगे फ़लाना ढिमका इन सब के बीच कल यानी संडे को ग़ुलाम नबी आज़ाद ने बहुत सारी बातें कही बारामूला इलाका आप जानते हैं कितना सेंसिटिव इलाका है कश्मीर का बारामूला इलाके में गुलाम नबी आज़ाद ने एक रैली को संबोधित किया इसे कह सकते हैं कि कांग्रेस छोड़ने के बाद उनकी पहली और महत्वपूर्ण रैली थी और इसमें अपनी नई पार्टी बनाने के बारे में जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने अपना मत बड़ा बोल्ड तरीके से पेश किया और देखिए उन्होंने ये वास्तव में रियलाइज़ कर लिया है कि अगर कश्मीर में कुछ पॉसिबल है कुछ संभावनाएं हैं तो वो बीजेपी के साथ मिलकर केंद्र सरकार के साथ अंडरस्टैंडिंग करके ही संभव है उससे अलग होकर संभव नहीं है और जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद ने कल बारामूला में एक रैली को संबोधित किया और उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि केवल संसद में दो तिहाई बहुमत वाली सरकार ही जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली सुनिश्चित कर सकती है उन्होंने गुप्कार अलायंस जो है जिसे गुपकार गैंग लोग कहते हैं या फिर कांग्रेस है जो इन पर भी ये सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि ये जो बातें कर रहे हैं वो कागजी बातें हैं और ऐसा पॉसिबल है नहीं उन्होंने कहा अपने बारे में कि आज़ाद जानता है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं मैं या कांग्रेस पार्टी या तीन क्षेत्रीय दल आपको अनुच्छेद 370 वापस नहीं दे सकते और न ही ममता बनर्जी या डीएमके या शरद पवार तीनों के बारे में कह दिया जो इस समय विपक्ष की एकता का ढिंडोरा पीट रहे हैं और उन्होंने यह कहा कि वे ऐसे मुद्दे नहीं उठाएंगे जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं अनुच्छेद 370 के बारे में बात नहीं करता हूं मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आज़ाद चुनावी वायदे के लिए या चुनावी फायदा उठाने के लिए लोगों को बेवकूफ नहीं बनाता है मैं अल्लाह के समक्ष कसम खाता हूँ कि मैं आपको गुमराह नहीं करूँगा मैं ऐसे नारे या मुद्दे नहीं उठाऊँगा जिन पर मेरा नियंत्रण नहीं है कांग्रेस पार्टी की हर राज्य में हार के साथ राज्यसभा में उसकी ताकत कम हो रही है और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में साढ़े तीन सौ से ज़्यादा सीटें कभी अब मिल सकती हैं मैं ये कहां से हासिल कर सकता हूं लोगों को गुमराह क्यों करूं पिछले महीने कांग्रेस से अपना पांच दशक पुराना नाता खत्म करने वाले गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हम दस दिन के भीतर अपनी नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा करेंगे और उसकी विचारधारा आज़ाद ख्याल की होगी उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कराने अपने लोगों को नौकरियां और जमीन पर विशेष अधिकार देने वे विकास लाने पर ध्यान केंद्रित करेगी गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं यहाँ के अल्ताफ बुखारी उनके इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि जब अनुच्छेद तीन को निरस्त करने के लिए मतदान हो रहा था तो उन्होंने किस तरफ मतदान किया था और गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि बुखारी को पहले यह समझ होनी चाहिए कि संसद कैसे काम करती है मैंने गृह मंत्रालय द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए लाए गए विधेयक के खिलाफ मतदान किया था और उन्होंने कहा कि वह लोगों से चांद तारे का वादा नहीं करेंगे बल्कि राज्य का दर्जा बहाल करने जैसी चीज़ों का ही वादा करेंगे राज्य का दर्जा इसलिए हासिल किया जा सकता है क्योंकि किसी वैधानिक संशोधन की ज़रूरत नहीं है हमें इसके लिए सिर्फ़ दो तिहाई बहुमत की ज़रूरत नहीं है हमारी जमीन सिर्फ हमारी होनी चाहिए और कोई भी बाहरी व्यक्ति उस पर स्वामित्व रखने में सक्षम नहीं होना चाहिए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि ज़मीन की तरह हमारी नौकरियां भी केवल हमारी होनी चाहिए और इन दो मुद्दों के लिए संसद की जरूरत नहीं है इसलिए मैं केवल उन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जिन्हें हासिल किया जा सकता है देखिए मुझे तो यहाँ लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो अपनी पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी को राज्य में सरकार बनाने के लायक मैंडेट मिलता है और बीजेपी के सहयोग की भी जरूरत पड़ती है तो वो बीजेपी का सहयोग भी ले सकते हैं और कम से कम इतना तो करा सकते हैं कि यहाँ पर जो पूर्ण राज्य का दर्जा है इसको वो दिया जाए गवर्नर वाला सेट सेटअप वापस लाया जा सकता है 370 वाला तो संभव नहीं है इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जब तक पार्लियामेंट में कोई सरकार ऐसी ना बन जाए तीन तीन सौ से अधिक वोटों वाली वो इसको संभव नहीं है इसको वापस ला पाना और अभी ऐसा उन्हें पता है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं अब तब तक ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद ने समय रहते हुए चीज़ों को रियलाइज कर लिया है गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी का ऐलान कब करेंगे उनकी पार्टी का स्वरूप कैसा होगा उनकी पार्टी आने वाले समय में क्या करेगी किस तरीके से चुनाव लड़ेगी सफलता हासिल कर पाएगी या नहीं क्योंकि ये गुप्तकार गैंग जो है तो सारे के सारे कश्मीर के मामले पर एक हो रहे हैं और ये सब जानते हैं कि कश्मीर में अपनी सरकार ये सब लोग मिलकर भले ही बना लें लेकिन 370 को बहाल नहीं कर पाएंगे करा पाएंगे जब तक केंद्र सरकार की तरफ से इशारा ना हो जाए और केंद्र सरकार की तरफ से इशारा इसके बारे में होने की उम्मीद है नहीं तो गुलाम नबी आजाद ने लोगों के सामने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई मैं पुरानी स्थिति बहाल करने की बात नहीं करता मैं ये नहीं कहता कि लद्दाख या जम्मू कश्मीर को मिलाकर फिर से पुराने वाला कश्मीर बना दिया जाएगा अलबत्ता इतना कह सकता हूँ कि राज्य में सरकार बनाने का अगर मुझे मिलता है मौका भले ही वो बीजेपी के समर्थन से मिले और ये जानते हैं कि बीजेपी के समर्थन से ही बना पाएंगे तो मैं कुछ बातें करा सकता हूँ मैसेज लोगों के बीच में है ही कि गुलाम नबी आज़ाद के प्रति नरेंद्र मोदी सिंपैथेटिक भावनाएं रखते हैं तो उन्हें ये लग रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को कुछ चीज़ों के लिए एग्री करा सकता हूँ लोगों के लिए जो ज़मीन ख़रीदने वाला मामला है कि बाहर का आदमी यहाँ ज़मीन ना ख़रीद सके बाहर के लोगों को यहाँ नौकरियाँ नहीं दी जाए इन सब चीज़ों को लेकर वो एक सॉफ्ट सी ऑफर लोगों के सामने रख रहे हैं लेकिन बड़ी बात यह है कि गुलाम नबी आजाद ने हालात को रियलाइज कर लिया है जबकि फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती और दूसरे उमर अब्दुल्ला जितने भी नेता हैं इन सबको ये रियलाइज नहीं हुआ है कि अब 370 को वापस लगा पाना यहाँ पर किसी भी हिसाब से संभव नहीं है वो केंद्र में साढ़े तीन से अधिक सीटों वाली कोई सरकार ही कर सकती है जो हाल फिलहाल संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्या गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी क्या होगी उसका रवैया क्या होगा इस पर हम सभी की नज़र बनी रहेगी कश्मीर के मुद्दे पर मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ आगे भी बनाता रहूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन के लिए आइकन ज़रूर प्रेस करिए जम्मू कश्मीर को लेकर अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें